राष्ट्र मिलिट्री स्कूल आरएमएस की सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं कि आरएमएस स्कूल है क्या, कितने स्कूल हैं, यहां पर एग्जाम कैसे होती है, कौन एग्जाम दे सकता है, कट ऑफ क्या जाता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितनी सीट्स हैं और क्या कट ऑफ जाता है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल और मैं पिछले 6 सालों से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं। इंडिया के अलग अलग जगह में हैदराबाद, कोटा, नागपुर, रायपुर, हर जगह मैंने पढ़ाया है आईटी जेई के बच्चों को, नीट के बच्चों को, सैनिक स्कूल के बच्चों को और नवोदय के बच्चों को। जितने भी मैंने बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाया है सैनिक और नवोदय के, उनका अभी तक मेरा 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब उन्होंने सब ने आपका जो AISSE है वो क्वालिफाई किया है। तो अब मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आ गया हूं आरएमएस की सारी जानकारी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आरएमएस जो है उसकी स्थापना की गई थी 1922 में, ठीक है। जॉर्ज, किंग जॉर्ज थे, उन्होंने पूरे 2.5 लाख रुपए, 1922 में 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया था ये स्कूल स्टार्ट करने के लिए, ताकि जो हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट्स हैं, कर्नल्स हैं, इनके जो बच्चे लोग हैं, इनको प्रॉपर एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, इस एम से इस स्कूल की स्थापना की गई थी 1922। सोचो कितना पुराना है। इस स्कूल का पहले मोटो था प्ले द गेम, लेकिन इसे चेंज करके कर दिया गया सीलम परम भूषण। मतलब भैया, जो आपका कैरेक्टर है वही आपकी असली पहचान है। क्या बात है ना, अच्छी सी सोच है। फिर इस स्कूल का नाम 25 जून 2007 को चेंज करके रख दिया गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसके नाम से अपन इस स्कूल को अभी जानते हैं। बट इस स्कूल को बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ जो कर्नल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स, ठीक है, इनके बच्चों के लिए ही सिर्फ बनाया गया था। तो इसकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं अपन। अभी पूरे इंडिया में टोटल अभी इस वक्त 5 है, ठीक है, एक शिमला पर है, 2 राजस्थान पर है और 2 कर्नाटका पे है, ठीक है। शिमला में अजमेर, ठीक है, धौलपुर, बेल्जियम और बेंगलोर, इन सब जगहों में, 5 जगहों में, पूरे इंडिया में 5 जगहों में टोटल अभी आरएमएस है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। एक एक करके सबको देखते हैं। चाइल शिमला, शिमला में जो आपका है, हिमाचल प्रदेश में जो आपका सैनिक ये है, मिलिट्री स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, 1922 में इसकी स्थापना की गई थी सबसे पहले, और 9950 एकड़ का है। प्लेग्राउंड आप देख सकते हो यार, देख करके मेरे को बस वहां जाने का मन कर रहा है, एक बार घूमने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन हो सकता है। आप सोचो ना, शिमला में आपका ये स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, मतलब पढ़ाई अच्छी होगी, सारे डिसिप्लिन होगा, सब कुछ होगा, बट साथ ही साथ आप कैंपस को भी एक बार देख लो यार, 9950 एकड़ का, एकड़ किसको बोलते हैं कैंपस। दूसरे अगर स्कूल की बात करें तो अजमेर, अजमेर जो था 1930 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 90 एकड़ का है राजस्थान में। फिर अगर अपन बात करें ढोलपुर की, तो ढोलपुर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे आरएमएस का, जितना भी मैंने देखा, पूरे पांचों के पांचों आरएमएस का इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार बेहतरीन, लाजवाब है, मतलब देखने लायक है एकदम। और फिर 1500 एकड़ में ये फैला हुआ है ढोलपुर राजस्थान में, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करें बेल्जियम, 1945 में स्थापना की गई थी, 64 एकड़ का है, लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ है पूरा, नेचुरल हर चीजें आपको मिलेंगे वहां पर, पेड़ पौधे, हर चीज एकदम नेचर के साथ रहोगे आप इन स्कूल्स में, कर्नाटका में है। फिर बैंगलोर, बैंगलोर का जो है वो 78 एकड़ में है, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, कर्नाटका में है, ठीक है। कुछ स्कूल की फोटोग्राफ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्शन है पूरे के पूरे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ना मैं पूरे 10 out of 10 नंबर दूंगा पूरे के पूरे आरएमएस स्कूल को, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को, ठीक है क्या। देखो एरिया बड़ा हो छोटा उससे ज्यादा मतलब नहीं होता है, मेन है कि नेचुरल चीजें होनी चाहिए, मतलब एकदम कि सुबह उठे तो यार एकदम मस्त गुड मॉर्निंग हो रही है, एकदम एकदम फ्रेश एनवायरमेंट है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। आर्मी का स्कूल है भैया, कैसे नहीं मिलेंगी आपको यहाँ पर चीजें। नाउ बात है सबसे पहले हु कैन गेट इन टू आरएमएस, आरएमएस में कौन कौन जा सकता है। सिर्फ 5th के और 8th के स्टूडेंट, मतलब जो 6th में जाने वाले हैं और जो 9th में जाने वाले हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकते हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए था, लेकिन इस बार से थोड़ा गर्ल्स के लिए सीट बढ़ाई जा रही है। एग्जैक्टली कितनी है वो तो अभी इस बार के बाद आपको पता चलेगी, बट अभी तक, ठीक है, लास्ट ईयर तक 21 तक सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर बॉयज के लिए था, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी इन 5th इन गवर्नमेंट स्कूल। एक और बात ध्यान से सुनना, ये बात आपका सैनिक स्कूल में या किसी चीज में नहीं है। अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको क्लास 5th का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट स्कूल का, ठीक है, रेप्यूटेटेड गवर्नमेंट स्कूल का, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि भैया पहचान में ही नहीं आ रहा कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल से अगर आप 5th में तैयारी करे हो तो ही आप इस आरएमएस में फॉर्म भरने के लिए लायक हो, एलिजिबल हो, ठीक है। और आपकी एज, अगर आप क्लास 6th के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी एज 10 से 12 के बीच होनी चाहिए, और अगर 9th के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो 13 से 14 के बीच में होनी चाहिए। कुछ कुछ क्राइटेरिया तो सेम सैनिक स्कूल जैसा ही है, लेकिन ये क्राइटेरिया एकदम अलग है कि आप 5th में होने चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल में ही होने चाहिए, तभी आपका आरएमएस में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है क्या।
एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम में तो वही चारों सब्जेक्ट सारे आपके जो AISSE में आते हैं, सैनिक स्कूल में आते हैं। इंग्लिश 50 नंबर का, IQ 50 नंबर का, मैथ्स 50 नंबर का, GK 50 नंबर का। इन्होंने सबको बराबर बराबर वेटेज दिया। 200 मार्क्स का पेपर होता है आपका, जिसमें से मिनिमम परसेंट जो क्वालिफाई होने के लिए आपको चाहिए इंग्लिश में 35%, IQ में 40%, मैथ्स में 40%, GK में 40%। और ये जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एट वन ऑफ द RMS, किसी ना किसी पूरे पांचों में से किसी ना किसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको बुलाया जाएगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए। और फिर आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कि आप एडमिशन हुआ है आपका या नहीं। ठीक है, तो अब अगर अपन सिलेबस की बात करें तो सिलेबस सेम AISSE के जैसा है। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बात बताऊं तो मैथ्स में पूरे के पूरे वही चैप्टर्स इन्होंने लिखे हुए हैं जो आपके AISSE में है, IQ में, ठीक है, इंग्लिश में, सब में आपका इन्होंने सेम डिट्टो सिलेबस है। हाँ, क्वेश्चन का हल्का सा लेवल आपको कभी ऊपर नीचे आपको मिलेगा, अदरवाइज सिलेबस पूरा है। मतलब आप खुद सोचो, अगर आप AISSE की तैयारी कर रहे हो तो RMS की तैयारी भी हो गई, नवोदय की तो भैया एकदम अच्छे से हो गई, क्योंकि नवोदय से तो बहुत अच्छा लेवल में है AISSE। तो अगर आप AISSE की तैयारी कर रहे हो तो क्लास 6 की तैयारी भी हो गई, सोने पे सुहागा। तो AISSE की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी RMS की भी हो गई, क्लास 6 की भी तैयारी हो गई और फिर आपकी नवोदय की भी तैयारी हो गई। तो आपको इसके लिए अलग से कोई सच कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। AISSE की अगर आप प्रेफरेंस बुक अगर यूज कर रहे हैं और AISSE का अगर आप कोर्स देख रहे हैं तो आपकी RMS की तैयारी भी हो गई है, ये बात आप याद रखिएगा। नाउ रिजर्वेशन की अगर आप अपन बात करें तो अभी भी मोटो क्या था इस स्कूल का कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाया गया था, तो अभी भी 70% जो है वो JCOs के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, जूनियर कमिश्नर्स ऑफ कमिश्नर ऑफिसर्स इनके लिए पूरी की सीट 70% रिजर्व होती है। फिर 30% बाकी बचे हुए ऑफिसर्स और सिविलियंस मतलब जो भैया आर्मी में, नेवी में, कहीं पर भी नहीं है, वो उनके लिए भी इसमें आता है 30% वाले में। 50% सीट अलग से उनके लिए रिजर्व होती है, जैसे कोई अगर ड्यूटी में अगर किसी की मौत हो जाती है, अगर कोई मर जाता है कि ड्यूटी के टाइम पे, तो उनके परिवार वालों के लिए 50 सीट्स रिजर्व है हर पांचों में। ठीक है, पांचों स्कूलों में, पांचों RMS में 50 सीट्स रिजर्व होती हैं। ठीक है, नाउ जो ये जो कैटेगरीज हैं उसमें भी जो 70% ये आपका ऑफिसर्स वगैरह के लिए है, उसमें भी 15% जो है वो SC और 7.5% जो है वो ST के लिए रिजर्व होती हैं। तो मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो सिविलियंस के लिए बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन है, उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद नहीं हारनी है, सिविलियंस के लिए बहुत कम चांसेस हैं। देखो जो 30% है उसमें से भी अगर मैं आपको बोलूं ना तो रफली आप मानो 15%। और पूरे इंडिया में अगर मैं RMS की सीट्स की बात करूं तो पूरे इंडिया में RMS के 300 सीट्स हैं, तो 300 सीट्स का 15% है, 40 के आसपास 50 मान लो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स पूरे इंडिया में मात्र 50 ऐसे बच्चे हैं जिनको इसमें एडमिशन मिल सकता है, जो मतलब किसी ऑफिसर के बेटे या उस टाइप से नहीं है, सिविलियन है। तो सिविलियन में मात्र 15% है आपके लिए खाली सीट। ठीक है क्या, बट ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं, तो ऐसा लोड नहीं लेना है। मैं बोल रहा हूं कि तैयारी करके एक एग्जाम देने में कुछ नहीं जा रहा, आपको अपने अपने अंदर का पता चलेगा, है ना, कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया बस एकदम टारगेट बना लो कि RMS अगर ये नहीं हुआ तो भैया बस दुनिया में कुछ नहीं बचा। बहुत सारे स्कूल हैं, और भी बहुत सारे स्कूल्स के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपकी इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो JCOs के बच्चे हैं उनके लिए 18,000 रुपए की फीस है, जो अदर आपके ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए 12,000 रुपए की फीस है। ठीक है, 32,000 की अदर ऑफिसर्स की है, ये रैंक अदर रैंकर्स रैंक जो आते हैं ना, मतलब JCOs के बाद जो आते हैं उनके लिए 12,000, उसके नीचे जो ऑफिसर्स आते हैं उनके लिए 32,000, और जो सिविलियंस जैसे जो सिविलियंस है उनके लिए 51,000 की फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी बहुत कम है अब अगर ध्यान से देखोगे तो। और जैसे अगर कोई इंसान या कोई ऐसी फैमिली है जिन्होंने किसी ना किसी को क्या बोलते हैं अपनी जॉब के टाइम खोया है, तो उनके लिए पूरी की पूरी फीस माफ होती है, पूरी ट्यूशन फीस उनकी माफ होती है। ठीक है, तो ये हो गई फीस स्ट्रक्चर की बात RMS की। ठीक है, चलो कट ऑफ की अगर मैं आपको बात करूं तो कट ऑफ जाता है भैया 200 में से, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं, 200 में से जनरल का जाता है 170 से 190 के बीच, ओबीसी का जाता है 160 से 180 के बीच, एससी का जाता है 160 से 170 के बीच, एससी का जाता है 150 से 160 के बीच। ठीक है, सो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी, कट ऑफ, सिलेबस, ठीक है, कौन एलिजिबल है, RMS कितने हैं, क्या है, उनके बारे में सारी जानकारी। कुछ अगर आपको और स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिल्कुल शर्माने का नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए, तो उसकी मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर लेके आके दूंगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे कोर्सेज जैसे RMS के फ्री
RMS का 100% फ्री, कोई स्टार मार्क, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं, 100% फ्री क्रैश कोर्स RMS का, AISSE का इस चैनल पे, इस YouTube चैनल पर आने वाला है, एड्यू मेंशन पर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भैया हमने जो ये स्टार्ट किया कि फिर वापस से देना, इस समाज से हमको बहुत कुछ मिला है तो उसको वापस कुछ रिटर्न करना ये हमारा फर्ज बनता है, तो उसमें हमको भी थोड़ा मोटिवेशन हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है क्या? चलो तो फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।